तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बिरला सॉफ्ट के स्टॉक के बारे में। बिरला सॉफ्ट के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो देखेंगे जो स्टॉक है हमको अप्रैल से ही यहाँ पर लगातार क्लियर अपट्रेंड में देखने मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने मिल रहा है और आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 0.61% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अभी अगर स्टॉक में और तेज़ी आती है तो यहाँ से अभी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक का 584 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक बार पहले भी स्टॉक ने यहाँ पर सेम लेवल से यहाँ पर गिरावट आई थी उस समय यहाँ पर स्टॉक में हमको एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। तो और अभी भी यहाँ पर स्टॉक उसी सेम लेवल यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो अब अगर यहाँ पर स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने मिल सकती है। अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 600, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 625, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 650, और उसके बाद अभी हमको यहाँ पर स्टॉक में 75-100 तक के लेवल्स में यहाँ पर देखने मिल सकते हैं एज अ नेक्स्ट टाइप पर रजिस्टेंस। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से अभी गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 560 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 435 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में 516 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज अ नेक्स्ट टाइप पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।